हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिशा दी पाथ ऑफ योग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड डिलीशियस सैलेड स्प्राउट्स। ये सैलेड स्प्राउट्स हाई इन प्रोटीन है, जो कि आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। आप इसे वीक में दो बार मॉर्निंग टाइम या स्नैक्स टाइम में भी ले सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि हमें कुछ कच्चे फूड भी खाने चाहिए, क्योंकि कच्चे फूड में जीवन होता है, जो हमें अंदर से सात्विक और हल्का बनाता है। इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब देखते हैं कि सैलेड स्प्राउट्स कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। अभी तक हमने ये इंग्रेडिएंट्स अलग अलग देखे हैं। अब मैं आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक फ्रेम में दिखा रही हूँ, ताकि आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। सबसे पहले है सेब यानी कि एप्पल, खीरा कुकुम्बर, अनार पोमेग्रेनेट, नेक्स्ट है चाट मसाला, मूंग स्प्राउट्स ग्रीन ग्रैम, चना स्प्राउट्स ब्लैक ग्राम, मूंगफली पीनट्स, अदरक जिंजर, तिल सिसेमी सीड्स, शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, टमाटर टमेटो, अलसी फ्लैक्स सीड्स, लास्ट है करी पत्ता यानी करी लीव्स। अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए हमारा हेल्दी एंड डिलीशियस सैलेड स्प्राउट्स रेडी हो गया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये रेसिपी कितनी इजी एंड हेल्दी है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आइए मैं इन इंग्रेडिएंट्स का ब्रीफ आपको बता देती हूँ, जो कि मैंने इनमें लिए हैं। तो हमने लिया है सबसे पहले सेब यानी कि एप्पल। इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसा कि कहा गया है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अगला है अनार। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो कि खासकर लेडीज के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है और हमारी स्किन में ग्लो लाता है। और हमने लिया है इसमें शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, जिसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके बाद मैंने लिया है खीरा। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए खीरा काफ़ी फायदेमंद रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इसमें लिया है चना स्प्राउट्स एंड मूंग स्प्राउट्स। जैसे कहा जाता है कि अगर दाल अनाज या किसी भी बीज को अगर अंकुरित करके खाएं, तो इनके न्यूट्रिएंट्स कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहता है।
अब नेक्स्ट है हमारा टमाटर। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टमाटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर एंटी एजिंग होता है और आप इसको अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं। और मैंने ली है अलसी, जिसमें हाई प्रोटीन होता है और ये जड़ी बूटी के रूप में भी फेमस है। और मैंने ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए अदरक का यूज़ किया है। और मैंने इसमें तिल का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि तिल में सिसेमी नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। और तिल के बहुत सारे अनेक फ़ायदे हैं, जैसे हमारी स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे बोन्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। और मैंने इसमें करी पत्ते का यूज़ भी किया है, क्योंकि करी पत्ता हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और कुछ लोग तो करी पत्ते की चाय बना के भी पीते हैं। अगर आपको चाय बनाने की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, आपको इस बात को जान के हैरानी होगी कि करी पत्ता हमारे वेट लॉस करने में भी हमारी हेल्प करता है, और इसमें फॉलिक एसिड अधिक मात्रा में रहता है, जो कि हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। और मैंने इसमें लिया है चाट मसाला, ताकि मेरा सैलड स्प्राउट्स बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी एंड जायकेदार बने। और अगर आप मैगी खाने के शौकीन हैं तो आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और हाँ, आप इसमें सेंधा नमक, नींबू या काला नमक भी डाल सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे आप स्नैक्स टाइम में जंक फूड का यूज़ करते हैं, तो आप उसके बदले इस सैलड स्प्राउट को बना के ले सकते हैं। इसे हर कोई बना सकता है, क्योंकि इसकी मेथड बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। और मैंने अभी भी देखा है कि मेरे वीडियोस को तो सभी लाइक कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत से लोगों ने। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।